बैंक लूटना हो या फिर किसी को हॉस्टेज बनाना हो, इन सभी चीज़ों में गजब की स्ट्रेटेजी और प्लानिंग की ज़रूरत होती है। तो आज मैं आप सभी के लिए ऐसे ही टॉप 10 रॉबरी मूवी लेके आया हूँ। स्वागत है आप सभी का स्टेकअप मूवीज़ में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा काउंटडाउन। दसवें नंबर पे आता है द टाउन। ये मूवी 2010 में आया था। चोरों का एक ग्रुप चोरी करने के लिए बैंक जाते हैं। वहाँ पे ये लोगों को हॉस्टेज बना लेते हैं, लेकिन उनमें से एक चोर को वहाँ के असिस्टेंट मैनेजर से प्यार हो जाता है। लेकिन उसके और एक साथी को लगता है कि ये पुलिस में कंप्लेन कर देगी तो ये उसे मारने की कोशिश करता है। नौ नंबर पे आता है 21। ये 2008 में आया था। इस मूवी में चोरों का एक ऐसा ग्रुप था जो कसिनो को धोखा देके पैसा निकाल लेते थे। एक गजब का प्लानिंग बनाते हैं और इनके पास काफी सारे ट्रिक्स होते हैं जिसके वजह से ये कसिनो के सारे दांव जीत जाते थे। आठवें नंबर पे है टेकर्स, जो 2010 में आया था। बैंक रॉबर्स का एक ग्रुप अपने जिंदगी का सबसे बड़ा रॉबरी करने की प्लानिंग बनाता है, लेकिन उनके पीछे एक डिटेक्टिव लगा हुआ था जो इनके हर कोशिश को नाकामयाब करके उनको जेल में भेजना चाहता था। सातवें नंबर पे आता है द मैन ऑन ए लेज। ये मूवी 2012 में आया था। एक आदमी एक ऊंची बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाता है और वहां से कूद के सुसाइड करने की कोशिश करता है। उसे रोकने के लिए वहां पे एक बड़ी भीड़ जमा हो जाती है। वहां पे पुलिस और मीडिया वाले भी आ जाते हैं, लेकिन उस आदमी का असली मकसद ही कुछ और था। ये भीड़ एक बड़ी रॉबरी को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बनाई गई थी। छठे नंबर पे आता है डेन ऑफ थिप्स, ये 2018 में आया था। इस मूवी में चोरों का एक ग्रुप था जो शहर के बहुत से जगह में चोरियां कर रहे थे। पुलिस उन्हें जानता था, लेकिन पुलिस उन्हें रंगे हाथों पकड़ना चाहता था। ये चोर पुलिस को भी धोखा दे देते हैं, लेकिन बाद में चोरों के घर से ही चोरी हो जाती है। पांचवें नंबर पे है हेल और हाई वाटर। ये मूवी 2016 में आया था। इस मूवी में दो भाई टॉबी और टेनर अपने घर का लोन चुकाने के लिए कई सारे बैंक को लूटते हैं। इन चोरों को पकड़ने के लिए दो FBI एजेंट को हायर किया जाता है। ये ऑफिसर इनके चोरी में एक पैटर्न ढूंढ के उन्हें चोरी करने से रोकने की कोशिश करते हैं। चौथे नंबर पे आता है पब्लिक एनिमीज। ये मूवी 2009 में आया था। कहा जाता है कि ये एक ट्रू स्टोरी है। इस मूवी में जॉन डिलिंगर नाम का एक खूंखार चोर था। ये और इसके गैंगस्टर दोस्त मिलकर कई सारे बैंक लूटते हैं और अपने जेल में फंसे कई सारे साथियों को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन गैंगस्टर को खत्म करने के लिए इनके पीछे FBI एजेंट लगा हुआ था। तीसरे नंबर पे आता है इनसाइड मैन। ये मूवी 2006 में आया था। एक आदमी बैंक लूटने के लिए मैनहट्टन के बैंक में आता है, फिर अचानक से उसका टीम बैंक में मौजूद सारे लोगों को हॉस्टेज बना लेती है। इनका प्लानिंग इतना जबरदस्त था कि डिटेक्टिव भी उन्हें सुलझा नहीं पाते हैं और आखिर में ये चोर हवा की तरह उस बैंक से गायब हो जाते हैं। दूसरे नंबर पे है द इटालियन जॉब। ये मूवी 2003 का है। आप लोगों ने ये बॉलीवुड मूवी तो देखा होगा। ये मूवी इटालियन जॉब का ही रिमेक है, लेकिन इटालियन जॉब में आपको थोड़ा ज्यादा एक्शन देखने को मिलेगा। Surprised? अब पहले नंबर पे ओसन फिल्म सीरीज है। अभी तक इसके 4 मूवी रिलीज हो चुके हैं। डैनी ओसन एक सातिर चोर था। ये 11 लोगों का एक टीम बनाता है। ये लोग कसिनो से पैसा चुरा लेते हैं। इसके दूसरे मूवी में उस कसिनो के मालिक को उनके बारे में पता चल जाता है और इन्हें पैसा वापस करना होता है। इसके तीसरे पार्ट में ये लोग एक कसिनो में उससे भी बड़ी चोरी करते हैं। फिर इसके चौथे पार्ट में डेबी ओसन, जो डैनी ओसन की बहन थी, वो 8 लोगों के एक टीम बनाती है। फिर ये एक 150 मिलियन का डायमंड नेकलेस चोरी करने का प्लान बनाती है। कैसा लगा आज का ये वीडियो? वैसे तो वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने इससे पहले एक डिसेप्शन मैजिक वाला मूवी लाया था और इसी तरीके का वीडियो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो आप मेरे चैनल को भी ज़रूर चेक करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।